हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। हाय गाइस, आज आ गए गुलाम कादिर शाह मेरा नाम है और आप लोग के लिए एक मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है गुलाम कादिर शाह। वहाँ देखिए मैं आप लोग के लिए नया नया रियलिटी खाना बनाता हूँ होटल का जैसा स्टाइल में। मैं एक शेफ हूँ, गुलाम कादिर शाह मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। आप वहाँ जाओ, सर्च करो और देखो, तरह तरह का नया नया वेराइटी खाना मिलेगा पूरी रेस्टोरेंट स्टाइल में। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग परिवार के लिए मेरा वीडियो को देखो, उस तरीके से खाना बनाओ और झूम के एंजॉय करो। ओके, अब मिलते हैं आप लोगों को वीडियो में। नेक्स्ट, हमने एक एक टेंगरी को इस तरीके से सब काट लिया। काट के देखो, इस तरीके से दाग लगा रहे हैं आप टेंगरी में। अच्छे से साफ कर लिया हमने, साफ करके धो के इस तरीके से हमने टेंगरी को एक एक इस तरीके से दाग लगा रहे हैं। आप लोग थोड़ा धीरे धीरे लगाना, क्योंकि आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है, हाथ में लग जाएगा। तो आप लोग धीरे धीरे लगाना, एक्सपीरियंस वाले के लिए है। तो आप लोग इस तरीके से एक एक पूरा काट के सजा लेना। हमने पूरा काट लिया। काटने के बाद तो अब हम मसाला मिक्स करेंगे इस तरीके से। सब पहले हमने सब के लिए अब मसाला मिक्स करने जाएंगे। पहले इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे इस तरीके से। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने डाला। उसके बाद थोड़ा नमक डालेंगे, यानी कि साल्ट डालने के बाद थोड़ा विनीगर डालेंगे। विनीगर डाल दिया और इसको थोड़ा हाथ में अच्छे से मिला के इस तरीके से आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। आधा घंटा छोड़ने के बाद पूरा मसाला इसमें अंदर चला जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर इसको आधा घंटे के बाद हम फिर इसको मसाला में मिलाएंगे। पहले एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसमें हम इस तरीके से डालेंगे। सबसे पहला दही डालेंगे। हमने 500 ग्राम दही टोटल लिया। अभी यहाँ पर 200 ग्राम दही डाला, 200 ग्राम दही डाला और उसमें चीज़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में 100 ग्राम काट के डाल दिया, चीज़ ऐड किया उसके साथ। उसके बाद थोड़ा हरी मिर्ची डाला मैंने 50 ग्राम तक। हरी मिर्ची डालने के बाद सीधा मिक्सी में लेकर पूरा पेस्ट कर लेंगे इसको, अच्छा से पूरा पेस्ट कर लेंगे। एकदम पेस्ट हो गया हमारा बेहतरीन इस तरीके से। हमने एक बॉल में डाल दिया, स्टील का बॉल में डालने के बाद अब इसमें हम मसाला, बाकी जो दही हमने छाना था 300 ग्राम, इसमें डाल दिया। कुल मिला के आधा किलो दही है इसमें। दही ऐड किया, आप मसाला ऐड करेंगे इसमें। हमने डाला नमक यानी कि साल्ट, उसके बाद गरम मसाला पाउडर, उसके बाद हमने डाला चाट मसाला, उसके बाद ब्लैक पेपर, ऑयल, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कस्तूरी मेथी, ये डाल के हमने इसमें अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। हमने पूरा इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे इसको। ये मिला के हमने, हमारा मसाला मिलाना कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी टाइम रख के क्लियर फ्रेश लगा के रख देंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा एक प्लास्टिक का बॉल में इस तरीके से थोड़ा मसाला डालेंगे और उसमें थोड़ा येलो कलर आने के लिए हमने थोड़ा हल्दी का इस्तेमाल किया, टर्मरिक पाउडर यानी कि हम इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे। ये हमने डाला हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाला टर्मरिक कलर यानी कि येलो कलर आने के लिए हमने इसलिए ये हल्दी डाला। तो नेचुरल फूड है जो भी है, आप लोग घर में बना के देखिए, बहुत बढ़िया है। अब इसको हाथ से अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरीके से। देखो थोड़ा सा हल्दी डाला, कितना बेहतरीन येलो कलर आ गया। इस तरीके से पूरा मसाला को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हमने जो टेंगड़ी धो के रखा था वो इसके साथ हम मिलाएंगे। जो हमने पहले मैरिनेशन करके रखा था जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर, ये है। आधा घंटे के बाद हमने इसमें एक एक किस करके डाल देंगे इस तरीके से। 20 पीस हमने लिया है और ये 20 पीस में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। मिला के इसको हम अच्छे से, पूरा मसाला इसके अंदर घुस जाना चाहिए, यानी कि नमक, बाकी जो मसाला हमने डाला सब इसमें बेहतरीन से ले लें। ये नेचुरल रेसिपी है, यानी कि होटल का जैसा रेसिपी टेस्ट आएगा। अपने घर में बनाओ कबाब, टेंगड़ी कबाब इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सब मिला के एक बढ़िया से रख लिया इसको। अब आधा घंटे के बाद अब इसको हम रोस्ट करेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे रोस्ट करते हैं। इस तरीके से हमने मसाला को इस तरीके से अच्छे से मिला के मैंने छोड़ देगा आधा घंटा। और आधा घंटे के बाद इसको हम सरिया में डाल के फिर तंदूर में रोस्ट कर आपको दिखाएंगे। आप वीडियो देखते रहना हमेशा, जहाँ से भी देख रहे हैं आप लोग वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। ये देखो मैंने सरिया लिया इस तरीके से, मैंने पीस को आधा घंटे के बाद थोड़ा कलर डाउन हो गया, यानी कि
चिकन के अंदर काला घुस गया मैंने इस तरीके से थी, पहला दूसरा और ये तीसरा पीस जा रहा है इस तरीके से, तीसरा पीस चला गया, अब ये चौथा है लेग पीस, यानी कि एक पोस्ट में हमारा चार पीस आता है। अब घर में बनाओ तो अपना हिसाब से बनाओ, तो इस तरीके से हमने चारों पीस लगा लिया और तंदूर खोल के इसमें डाल दिया इस तरीके से थी। इसको अब हमको 10 मिनट पकाना है इस तरीके से, इसको हम 10 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये बढ़िया रेसिपी है, आप भी घर में ट्राई करो। 10 मिनट होने के बाद अब इसमें हम थोड़ा बाहर निकाल के थोड़ा ऊपर से ऑयल डालेंगे, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए, और ऑयल पड़ जाएगा तो और भी बढ़िया कलर आ जाएगा। इस तरीके से हमने थोड़ा ऑयल इस्तेमाल किया ऊपर से, इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल के दोबारा हम डालेंगे इसको 2 मिनट के बाद, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। अब 2 मिनट के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे, आप लोग देखिए ये बाहर निकाल दिया और देखो कितना बेहतरीन कलर हुआ। इस तरीके से आज का डिश हमारा यहाँ तक था। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना और लाइक करना, जहाँ से देख रहे हो आप लोग वहाँ से अपना कमेंट ज़रूर करना। ये हमारा आज के लिए टेंगड़ी कबाब हो चुका है। अब इस तरीके से हमने एक एक को फॉइल बांध के इस तरीके से प्लेट में सजा के डाल देंगे इस तरीके से, आप भी घर में ट्राई कर सकते हो। बढ़िया है रेसिपी, घर में सब लोग खाओ, एक साथ में इंजॉय करो, परिवार के साथ मिलके एंजॉय करो। इस तरीके से हमने दो बाजू डाल के इस तरीके से बीच में थोड़ा सलाद डालेंगे हम, और एक नींबू का पीस देंगे, और हमारा आज के लिए टेंगड़ी कबाब रेसिपी यहीं ख़त्म हुआ। ये हो गया हमारा आज का रेसिपी है टेंगड़ी कबाब। आप लोग जहाँ से भी देखते हो वीडियो को, आप लोग जो भी देख रहे हो, दिल से धन्यवाद आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए।